हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का जोरदार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, वीडियो का जो एग्जाम होना है उसके एडमिट कार्ड का आपका बहुत बेसब्री से वेट हो रहा है। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इसका एडमिट कार्ड कब तक जारी हो सकता है। तो दोस्तों, आयोग 27-28 में वीडियो का जो एडमिट कार्ड है ये जारी कर देगा। देखिए, 27 को सैटरडे पड़ा है और 28 को फिर संडे है। वैसे ये चीजें संडे को भी जारी हो जाती हैं क्योंकि साइन तो पहले हो जाते हैं, तो जारी कर देते हैं जो टेक्निकल डिपार्टमेंट होता है। तो आप ये देखिए कि 27-28 या ज्यादा से ज्यादा 29 हो सकता है, इस बीच में एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, अब मेन जो बात आती है दोस्तों कि अब एडमिट कार्ड तो आ ही जाएंगे, मेन है पेपर देना। तो इसमें हम बात करते हैं कि कैसे आपको पेपर देना है, कैसे इस बार पेपर देके उसमें आपको क्लियर भी होना है। ठीक है, तो अब यहां पे देखें, अगर जिसकी तैयारी हो चुकी है, पहले मैं उनकी बात करूंगा जिनकी बढ़िया करके बहुत पहले से 3-4 साल से तैयारी कर रहे हैं, जिनकी तैयारी पूरी हो चुकी है। आप लोग केवल अभी मेरे ख्याल से रिवीजन कर रहे होगे और रिवीजन ही अभी करना चाहिए। तो अभी आप ये देखो, अगर आपका रिवीजन भी करीबन पूरा हो गया है तो आप ये मत सोचो कि अभी मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, सारी चीजें कर लूं। केवल आप रिवीजन में जो आपका हो चुका है वही चीज, अपना मेन जो आपने नोट्स बनाए थे उन्हीं पे फोकस करिए। ऐसा आपको नहीं करना कि आप अभी सोचे कि यार मैंने ये तो पढ़ी लिया है, अब मैं 10 बुकें और लाके उन्हें भी पढ़ लूं। ठीक है, उन चीजों पे अभी नहीं जाना है, अपने दिमाग को कूल रखना है। जितना इस समय अपने दिमाग को कूल रखोगे वही सबसे इंपॉर्टेंट होगा। और उसके बाद क्या करना है आपको, लास्ट के जहां से 5-6 दिन बच जाते हैं दोस्तों, तो वहां पर आपको केवल जो पुराने जो पेपर हैं, चाहे हमारे स्टेट के हो चाहे अदर स्टेट के हो, जो भी आप पढ़ सकें, जो भी आप टेस्ट कर सकें, ओल्ड पेपर बिल्कुल आप सॉल्व करिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। एक तो ओल्ड पेपर, दूसरा करंट। दोस्तों, करंट क्या होती है ना, करंट हमारे दिमाग को खोलती है। हम किताबों में कितना है कि सिर्फ जो किताबी ज्ञान है उतना ही पढ़ पाते हैं, करंट हमारे दिमाग को इधर पूरी दुनिया से खोलती है, हमें बताती है कि क्या क्या दुनिया में चल रहा है। और ये देखिए कि ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम है तो इसमें करंट के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। और करंट के लिए सबसे अच्छी जो बुक है वो है पीडी है, प्रतियोगिता दर्पण है, उसको आप पढ़िए। तो लास्ट के जो कम से कम 6-7 दिन है, लास्ट का 1 हफ्ता है, आप केवल कम से कम जो ओल्ड पेपर है और करंट पढ़िए। और जो दोस्तों यहां पे उनकी बात करूंगा जिनकी तैयारी बिल्कुल नहीं हुई है, जिन्हें लग रहा है यार बहुत कम समय मिला क्योंकि अभी लेक्चर का एग्जाम दिया था और भी कई सारे एग्जाम दिए थे लोगों ने, तो वो नहीं पढ़ पाए, उनको 1-1.5 महीने का भी समय नहीं मिला। तो दोस्तों, उनको क्या करना है, देखिए आप लोग अब ये मत सोचिए कि मेरे पास यार बहुत कम समय है, अब मैं सब पढ़ लूं, आपको भी ऐसा नहीं सोचना है। आप केवल उन चीजों में फोकस करिए जो चीज आपके पिछले एग्जाम से आपने देखा है कि कमजोर रहे हैं, केवल उन पर। अगर आपकी हिंदी, मान लीजिए हिंदी में आपके नंबर कम बने हैं, तो आप केवल हिंदी पढ़ लीजिए और वो भी फैक्चुअल। आपको केवल फैक्ट पढ़ने हैं, आपको इस पर डीप पे नहीं जाना है क्योंकि डीप जाने का बिल्कुल समय भी नहीं है दोस्तों। आपको केवल फैक्ट पे जाना है, मेन चीजें पढ़नी है और वही चीजें पढ़िए जो आपकी कमजोर रही थी। ठीक है, और बाकी अगर आप ये चीजें अभी इतना करने का अब आपको लगता है कि समय नहीं है, तो आप भी पुराने पेपर जरूर करें क्योंकि पुराने पेपर एक तो पहली बात है आपको कॉन्फिडेंस देंगे और दूसरी बात आपकी बहुत हेल्प करेंगे क्योंकि आपको ये समझ में आएगा कि पेपर कैसा आ रहा है। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों यहां पर आती है सबसे महत्वपूर्ण बात। सबसे महत्वपूर्ण है जो आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, जो आपके वो 2 घंटे होंगे ना, वो 2 घंटे ही पूरा आपका सब कुछ आगे की जो लाइफ है वो डिसाइड करते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना है कि वो 2 घंटे में अगर आप फेल हो गए, आप अच्छा नहीं हुआ तो आपकी लाइफ खराब हो गई। दोस्तों, पेपर बहुत आते रहते हैं, ये जाएगा तो इसके बाद लोअर का आएगा, वो हटेगा तो फिर पीसीएस, बहुत सारे पेपर होते रहते हैं। लेकिन वो 2 घंटे आपको ऐसे देने हैं, मैं आपको बताऊंगा किस तरह से देने हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप जब एग्जाम हॉल में जाते हैं दोस्तों, वहां पे आप केवल ये पहले तो आप तो ये सोच लेके जाइए कि आपको क्या सोच के जाना है कि भगवान आज मैं पास हो जाऊं। ये बिल्कुल नहीं कि भगवान आज मैं पास हो जाऊं, मेरे को 60 नंबर देना, 80 नंबर देना, मैं उसके बाद लड्डू चढ़ाऊंगा, ये चढ़ाऊंगा, घंटी चढ़ाऊंगा, ये सोच के नहीं जाना है कि मेरे कैसे ही 65-70 नंबर आ जाए। आपको दोस्तों ये माइंड में सेट लेके जाना है कि मुझे आज एग्जाम टॉप करना है भैया, मैं इसे टॉप करूंगा और मैं ही हूंगा जो इसे टॉप करूंगा और बस, और कुछ नहीं है। और तो अगर आपका ये माइंड सेट होगा ना दोस्तों, तो आप टॉप पे नहीं भी जाओगे तो आप यार उसके नीचे तो आओगे और यह है कि एग्जाम क्लियर तो कर ही जाओगे क्योंकि माइंडसेट सबसे ज्यादा जरूरी होता है एग्जाम्स में। क्योंकि दोस्तों, पढ़ाई सबने करी होती है, आप हैं, आपके दोस्त हैं, हो सकता है आपके कई दोस्त ऐसे होंगे कि आपके बाद पढ़ने लगे होंगे और उनकी जॉब लग गई होगी, क्यों, केवल उनके माइंडसेट की वजह से। तो माइंडसेट यह है कि आपको जाना बिल्कुल ये सोच के भैया आज मैं टॉप करने जा रहा हूं, मुझे एग्जाम टॉप करना है कैसे भी। ठीक है, और दूसरी चीज अब मैं आपको बताऊं कि जो एग्जाम में होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट
इंपॉर्टेंट होती है। अब आप एग्जाम में जाते हैं, एग्जाम में आप ये सोच के वहां पे चले जाते हैं कि यार कैसा आएगा, ऐसा आएगा, वैसा आएगा, कैसा एग्जाम होगा, कहीं टफ आएगा, कोई सोच के आते हैं नहीं ये तो इजी आएगा। लेकिन आपको हमेशा एग्जाम पहले ही मन में एक चीज बना लो कि एग्जाम बहुत भयंकर आने वाला है, बहुत टफ आने वाला है, बहुत गजब का आने वाला है यार, बहुत ही जोरदार आने वाला है, बस लेकिन मैं कर लूंगा, ठीक है, क्योंकि मैंने पढ़ा तो है ही, मैं कर लूंगा, लेकिन एग्जाम आने वाला है बहुत खतरनाक। अब क्या होगा दोस्तों, आप वहां पर बहुत खतरनाक सोच के जाएंगे, इतना खतरनाक कभी भी कोई पेपर नहीं आता है, कभी भी कोई पेपर नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा, आपको इजी लगने लगेगा, आप उसे आराम से सॉल्व कर लोगे। दोस्तों मैं अपना आपको छोटा सा किस्सा बताता हूं, जब तक शुरुआत में मैंने पढ़ना, जैसे मैंने स्टार्ट किया था तो शुरुआत में पढ़ते, मतलब मुझे पढ़ते हुए करीबन 2-3 महीने या 6 महीने हुए थे, तो मैं वहीं से एग्जाम देने लग गया था। मैं कभी भी रुका नहीं कि अभी मेरे को 1 साल नहीं हुआ, 2 साल नहीं हुआ, ये वो करके मैं कभी रुका नहीं, मैंने एग्जाम देते रहा। तो दोस्तों मैं पहले ही सोच के जाता था यार एग्जाम तो ऐसा आता होगा, वैसा आता होगा, लेकिन वहां जाके मुझे हमेशा ईजी लगता था, चाहे मैं बहुत फेल हुआ दोस्तों शुरुआत में, जब तक पहला एग्जाम क्लियर नहीं हुआ था तो बहुत फेल हुआ। और अभी भी दोस्तों लकीली पता नहीं मेरा क्या ऐसा माइंडसेट रहता है कि मैं चाहे कोई एग्जाम दूं, मुझे वो एग्जाम लगता बहुत इजी है, मतलब कभी भी मैं जब एग्जाम देके घर आता हूं तो कभी भी मुझे नहीं लगता है आज क्या एग्जाम आ गया था, मुझे हमेशा लगता है यार बड़ा इजी एग्जाम आया था, चाहे मैं उसमें फेल हो जाता हूं लेकिन मुझे लगता है कि वो बहुत इजी आया था। तो दोस्तों ये वाली मैंने ये बात बताई कि एग्जाम के लिए आप पहले ही माइंडसेट बना के चले कि एग्जाम टफ आएगा, लेकिन क्या है आपने पढ़ा तो है ना, आप कर लोगे और वहां जाके आपको हमेशा वो बहुत इजी लगेगा। आप पहले ही सोच के चल जाते हो कि यार ये कैसा होगा तो उसमें फिर वहां पर दिक्कत हो जाती है, वहां पर जाके हाथ पांव फूल जाते हैं, तो ये चीज नहीं सोचना है, ठीक है दोस्तों। अब जब आप एग्जाम हॉल में पहुंच जाते हैं दोस्तों, उसके बाद आपको वहां पर क्या करना है, वहां पर केवल जब एग्जाम हॉल में आप होते हैं ना तो वहां पर आपके साथ केवल 2 लोग होने चाहिए, ये नहीं आप जो 5-6 लोग ग्रुप बना के पेपर देने आए हैं वो सब उन सबको भूल जाओ, केवल 2 लोग आपके साथ होने चाहिए। और 2 कौन, एक आप और एक आपका दोस्त होना चाहिए, और वो दोस्त कौन होता है, वो भी खुद आप होने चाहिए। वहां पे अपने को एग्जाम हॉल में बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, अपने को 2 लोगों में बांट लो, ठीक है, वो 2 लोग आप लोग होगे। अब पूरे एग्जाम भर में संवाद होते रहना चाहिए, संवाद होते रहना चाहिए, अपने से बातें करते रहो करते रहो, हर 15-15 मिनट के, 10 मिनट के किसी भी गैप में अपने से बातें बिल्कुल मत छोड़ना, क्योंकि जो आप आज हो ना, अभी घर पे बैठे हो, यही एग्जाम हॉल में आप नहीं रहते हो दोस्तों, कोई भी नहीं रहता है, वहां जाके एक अलग टेंशन हो जाती है, एक दिमाग में एक इतना बड़ा टेंशन भर जाता है कि आप भूल जाते हो आप कौन हो क्या हो, आप वो सब भूल जाते हो। लेकिन आपको अपने को 2 लोग में बांट लेना है, एक तो वो होगा जो एग्जाम दे रहा होगा, एक वो होगा जो अभी आप हो, ठीक है दोस्तों। ये राय देते रहेगा, बताते रहेगा क्या करना है, अभी आप क्वेश्चन में फंस गए हो तो इसे कैसे सॉल्व करना है, क्या है, वो आपका दिमाग को कूल रखेगा। तो अपने को 2 लोग में बांट लेना और संवाद होते रहना चाहिए उससे, उससे कुछ कुछ देर में बातें करते रहो कि अब मैं क्या करूं, अब ये वाला क्वेश्चन कैसे करना है, ये कैसे करना है, मस्ती करते रहो, चुटकुले करो, एक दूसरे से मजाक करते रहो, अपने आप से ही अपने आप से बातें करते रहो, अपने से मजाक करते रहो, सब कुछ करते रहो। बाहर अगर आपको एनवायरमेंट दिख रहा है, बाहर अगर आपको बाहर का माहौल दिख रहा है, पेड़ दिख रहे हैं, पौधे दिख रहे हैं, उनको देखो, उनमें देख के थोड़ा थोड़ा बीच बीच में को रिलैक्स करते रहो। ये सब रिलैक्स क्यों करना है कि आपको अपने दिमाग को कूल रखना है, ठीक है। तो बाहर को देखते रहो और अपने से बात जरूर करते रहना, ये नहीं कि पेपर में आप कर रहे हो पेपर तो बगल वाले को देख रहे हो, इसको देख रहे हो, उसको देख रहे हो, वो तेज लिख रहा है, वो सो गया, तो आपका वहीं पे कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। तो आप उनको उन पे ध्यान मत दो, आपके साथ केवल 2 लोग होने चाहिए, आप और आप ही, ठीक है। अपने से बात करते रहना और वही आपको बताते रहेगा कि अब आपको क्या करना है, जो आप अभी हो वो चीज वो वहां पर आपको हेल्प करेगा, ठीक है दोस्तों। ये बातें तो हो गई दोस्तों माइंडसेट की, अब आता है एग्जाम देने का। तो एग्जाम आपको हमेशा जो 2 घंटे का आपका एग्जाम है वो आपको 3 सेशन में देना है दोस्तों, 3 सेशन आपको बांट लेने हैं एग्जाम देने के। पहले सेशन में आप जैसे अपने हिसाब से बांट लो, चाहे 40 मिनट का, 1 घंटे का बांट लो, उसमें चाहे आप 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन, जितने भी आप कर पा रहे हो फटाफट करो जो आपको आते हैं, क्योंकि आपको फंसना नहीं है। लोग क्या करते हैं, एक ही क्वेश्चन में फंसे रह जाते हैं, यार इसका वो था, ये इसका यही होगा, तो इसके चक्कर में पूरे 2 घंटे निकल जाते हैं। तो आप उसमें फंसो मत, आप शुरू का 1 सेशन बांटो, चाहे 40 मिनट का हो, 1 घंटे का हो, आप फटाफट उसमें जितने आ रहे हैं उतने कर लो। सेकंड सेशन बांटो, जिसमें जो टफ हुए थे उनको फिर से करो, और जो लास्ट का सेशन है ना दोस्तों, उसको कम से कम आधे घंटे का या आधे घंटे का करीबन करीबन उसे रखना। तो उस सेशन में आप जो तुक्का मारते हो या ये जो करते हो ना, जिसमें वो उस वाले सेशन में करो, क्योंकि देखो तुक्का मारना भी जरूरी है, कहीं पे जहां पे आप क्लोज जा रहे हो बिल्कुल तुक्का मारे वहां पर दोस्तों, और वहां पे तुक्का लगाएं, क्योंकि 0.25 कटता है, नहीं तो फिर उसके बाद 4 क्वेश्चन अगर गलत हो तो 1 क्वेश्चन उसका खामियाजा भुगत लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो लेकिन वहां पे तुक्का भी मारना कहीं पे बहुत जरूरी है, तो आप लोग इस हिसाब से करना, और लास्ट के सेशन में अपने जो भी आपके बच जाते हैं उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लो। अब यहां पे दोस्तों बात आती है कि करीबन आपको अटेम्प्ट कितने करने चाहिए।
तो अटेम्प्ट की बात मैं अगर करूं दोस्तों यहां पे, तो कम से कम 90 से 95 क्वेश्चन तो मिनिमम अटेम्प्ट करने चाहिए दोस्तों, मिनिमम। ठीक है, 90 से 95 तो करने चाहिए। ये भी नहीं कि 100 पूरे अटेम्प्ट कर लिए, वो इतना खतरनाक भी नहीं करना है, लेकिन 90 से 95 आपको करना है। क्योंकि देखो मैं आपको बताऊं, इसकी जो मेरिट अभी भी अगर मैं आपको मोटी मोटी बताऊं तो 65 से 70 के बीच में अगर आप लाते हैं तो कोई आपको रोक सकता ही नहीं है दोस्तों, 100% आपका सिलेक्शन है। अब वो अलग बात है कि किस विभाग में होगा, विभाग बहुत सारे हैं, लेकिन सिलेक्शन पक्का है दोस्तों। तो आपको यह है, अगर आपने अटेम्प्ट ही, कोई लोग होते हैं कहते हैं यार मैं अटेम्प्ट ही 70 करके आया हूं, तो भाई फिर उसके बाद क्या रह जाता है, क्योंकि कुछ माइनस तो जरूर होंगे। तो इसलिए यह है, अगर आपको बिल्कुल लग रहा है, क्योंकि 2% लोग ऐसे होते हैं जिनको बिल्कुल पेपर में कम से कम 70-80 क्वेश्चन आ जाते हैं, ऐसे बहुत कम लोग होते हैं, 2% भी क्या, 1% कहूंगा मैं। तो अगर आपको आ रहे हैं तो आप उतने करो, 5-10 क्वेश्चन तुक्का मान लो, लेकिन कम से कम 85-90 या 90 से 95 आप लोग अटेम्प्ट वहां पे करो। ठीक है दोस्तों, और सबसे लास्ट और सबसे लीस्ट है लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, पूरे एग्जाम भर में आपको कूल रहना है, अपने दिमाग को बिल्कुल कूल रखना है। जैसा आप अभी बैठे हो ना अपने घर पे, बहुत बिल्कुल कूल हो, तो ऐसे ही आपको अपने दिमाग को रखना है। क्योंकि देखो पूरा जो पेपर होता है ना, वो माइंडसेट से होता है। मेरे बहुत से साथी हैं जो कहते हैं कि यार पेपर देने जाता हूं तो वहां बिल्कुल जाके मैं परेशान हो जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है कि यार क्या हो गया, पेपर क्या आ गया, और वहां पर बेहोशी सी होने लगती है। तो बिल्कुल आपको कूल रहना है, आपको देखना है यार क्या होगा, फेल हो जाऊंगा ज्यादा से ज्यादा, अगला पेपर दे दूंगा, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। आपको वहां पे अपने को दिमाग को बिल्कुल कूल रखना है। आप जैसे अभी हो, ठंडा दिमाग रहेगा तो काम बिल्कुल अच्छा होगा, और कॉन्फिडेंस वो बिल्कुल आपका 100% होना चाहिए कॉन्फिडेंस। ये नहीं देखना है कि कितनी भीड़ आई है, भीड़ तो आती रहती है यार, लेकिन आपको तो अपनी एक सीट चाहिए, और वो एक सीट क्या है, 65 से 70 नंबर लाओ वो एक सीट मिलनी है। तो आपको ऐसा तो है नहीं ना किसी दूसरे से कॉम्पिटिशन करना है, वो आपको कुछ पीछे पैर तो खींच नहीं रहा है। तो आपको केवल अपनी एक सीट चाहिए दोस्तों, उसके लिए आपको फुल कॉन्फिडेंस रखना है। कॉन्फिडेंस याद रखना, 100% अगर आपका कॉन्फिडेंस वहां पर होगा तो आप बिल्कुल पास होगे। आप बिल्कुल कूल रहना, बिल्कुल कूल, जो जो पॉइंट्स बताए हैं बाहर को देखते रहो, अपने से बातें करते रहो, और इस हिसाब से सेशन में बांट लो पेपर को, और इस तरह से आप पेपर दो, 100% आप लोग सफल होगे दोस्तों। मेरी बहुत बहुत आपको शुभकामनाएं हैं। अभी 27, 28, 29 में आपके एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। तो ठीक है दोस्तों, पेपर के बाद मिलेंगे यहीं पर। ओके, आप सभी को शुभकामनाएं हैं, थैंक यू दोस्तों।